गुड मॉर्निंग ऑल, एवरीवन. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल. जल्दी से चेक कीजिएगा साउंड, ऑडियो क्वालिटी एंड वीडियो. ओके सर, क्लियर है सो दैट वी कैन स्टार्ट. गुड मॉर्निंग ऑल. क्या कल क्रिसमस का पार्टी किया सब लोगों ने? शायद गुड मॉर्निंग रितेश, तनुजा, विनीत, अंकित, वंश, रोहित, नितिन, भावेश, शिवम. क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर. क्या कल पार्टी किया क्रिसमस का? गुड मॉर्निंग. नो सर, हम सीए के स्टूडेंट है. सीए के स्टूडेंट भी तो पार्टी करते हैं. क्या बात है, पार्टी नहीं किया. ओके, ये लॉकडाउन या कोरोना की वजह से कुछ लोगों ने पार्टी नहीं किया है, मैं समझ सकता हूँ. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रिजल्ट पास में आ रहा है, पार्टी तो बनेगा ही, ठीक है ना? अच्छा, घर पर ही थे. ओके, सो बसंत पंचमी मनाएंगे. ओहो, वेरी गुड. चलिएगा फ्रेंड्स. कल हमने कुछ मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ डिसीजंस लेने के कॉस्ट है वो डिस्कस किया था, ठीक है? पहले रिमेनिंग कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं, देन स्टार्ट टू एंड पूरा टॉपिक आपको रिवाइज कर दूंगा, राइट फ्रेंड्स? चलिएगा. सो फ्रेंड्स, आई गेस हमने कल कैपिटलाइज कॉस्ट तक शायद कंप्लीट किया था. जी हाँ, कैपिटलाइज कॉस्ट तक कंप्लीट किया था. इफ यू रिमेंबर, लास्ट कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था कैपिटलाइज कॉस्ट. पहले वो जो एक्सपेंसेस है उसको एसेट ट्रीट करो, वो जो आपने खर्चा किया है उसको एसेट ट्रीट करो, और बाद में एज अ एक्सपेंसेस उसको ट्रीट करो. कल एग्जाम्पल लिया था आपने, आपके ऑफिस में, सीए के ऑफिस में एसी लगवाया और इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया. एसी का कॉस्ट 50,000 था, इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000 था, तो टोटल आपने एसी जो अकाउंट किया रहेगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी अकाउंटिंग, 55,000 का अकाउंटिंग किया रहेगा, और आगे जाके डेप्रिसिएशन जो है वो 55,000 के बेसिस पे आपने लिया रहेगा, राइट? तो यहां तक हमने कंप्लीट किया था. अब आगे बढ़ रहे एक्सप्लिसिट कॉस्ट. जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना एक्सप्लिसिट कॉस्ट. फ्रेंड्स, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, जहां पे इमीडिएट कैश फ्लो होएगा. रिमेंबर, क्या बोलो? इमीडिएट कैश फ्लो होएगा, आउट ऑफ पॉकेट, सर जी आपके जेब से खर्चा होने वाला है, इट इज कॉल्ड एज अ एक्सप्लिसिट कॉस्ट. नाउ ये कौन से कॉस्ट है? फ्रेंड्स, आपने रेंट पे किया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. सैलरी पे किया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. आपने मटेरियल परचेस किया तब कुछ पेमेंट किया, इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है? इमीडिएट कैश पेमेंट जो रहेगा वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट में कंसिडर किया जाएगा. आगे सारे एग्जाम्पल दिए, देखिएगा. सैलरी, वेजेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग, स्टेशनरी आर सम एग्जाम्पल ऑफ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्विंग इमीडिएट कैश पेमेंट. कल कुछ स्टूडेंट लोग डिस्कस कर रहे थे कि सर डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा कॉस्टिंग में आता है नहीं आता है, बहुत झगड़ा किया. तो फ्रेंड्स, हमने कल ये डिस्कस किया था कि यस, डेप्रिसिएशन तो आना चाहिए. मशीन का डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, आपका जो व्हीकल उसका डेप्रिसिएशन आना चाहिए, लेकिन इसमें इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं होता है, राइट फ्रेंड्स? तो ये आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? जहां पे आपका इमीडिएटली कैश आउटफ्लो होता है, आप पैसा इमीडिएटली पे करते हो, इट इज कॉल्ड एज अ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है? कैश आउटफ्लो एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एग्जैक्टली इसके अपोजिट है फ्रेंड्स इम्प्लिसिट कॉस्ट. ध्यान से सुनिएगा, ये यानी कम से कम 6 to 7 times अभी तक एग्जाम में पूछा गया है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, दोनों मिला के 5 marks के लिए. कभी कभी ये दोनों मिला के 4 marks के लिए आता था. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जहां पे इमीडिएटली कैश आउटफ्लो नहीं होता है, नॉट इन्वॉल्विंग एनी इमीडिएट कैश पेमेंट, ठीक है? सो ये जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, दे आर ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट.
ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। आगे इसके जैसा एक और एग्जांपल है इम्प्लिसिट कॉस्ट जैसा, तब मैं ये डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये है जहां पे आपका इमीडिएटली कैश आउटफ्लो है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट है जहां पे आपका इमीडिएटली कैश आउटफ्लो नहीं है। ओके नेक्स्ट फ्रेंड्स, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगेन ये आपको प्रैक्टिकल में हेल्प करेगा। एक है आपका प्रोडक्ट कॉस्ट और दूसरा आपका पीरियड कॉस्ट। यस ओके, कुछ रितेश जी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एसेट परचेज करते वक्त आपका वो कैश आउटफ्लो है। दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने पहला वर्ड जो यूज किया वो बहुत अप्रोप्रिएट यूज किया है। आपका क्वेरी ये है एसेट परचेज के टाइम तो कैश आउटफ्लो हुआ ना, तो आपने जो पहला वर्ड यूज किया है वो एक बार चेक करो क्या यूज किया है। वो तो आपने एसेट यूज किया है, क्या एसेट आपका खर्चा है क्या? ठीक है, एसेट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो या एसेट आप बैलेंस शीट में लिखते हो? मैं तो एकदम सिंपल सोचता हूं। ठीक है, जो पीएनएल में लिखते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, वही तो आपके एक्सपेंसेस या कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा। एसेट इज नॉट योर कॉस्ट बॉस। आई होप आपका क्वेरी क्लियर रहेगा रितेश जी। ओके आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट कॉस्ट एकदम सिंपल एग्जांपल अगर देता हूं तो मटेरियल का कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट है, लेबर का कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्ट का कॉस्ट है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका फैक्ट्री के ओवरहेड्स, ये आपके प्रोडक्ट कॉस्ट में आएंगे। ठीक है, फैक्ट्री के ओवरहेड ये आपके प्रोडक्ट कॉस्ट में आएंगे। तो फ्रेंड्स यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। जी हाँ, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट फ्रेंड्स। यहां पे अगले कंसेप्ट का कुछ पार्ट है, अगले टॉपिक का कुछ पार्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग, जो आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट है आपका, कुछ लोग बोल रहे सर प्लीज रिपीट प्रोडक्ट कॉस्ट। मालिक मैंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है, प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया है, वही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। रुको रुको जरा, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। जी हाँ, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्रोडक्ट कॉस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं फ्रेंड्स। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड फॉलो करते हो तो आपके प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? आपके प्रोडक्ट कॉस्ट में आएगा मटेरियल, आपके प्रोडक्ट कॉस्ट में आएगा लेबर, आपके प्रोडक्ट कॉस्ट में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपके प्रोडक्ट कॉस्ट में आएगा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल क्या है ये हमने दो लेक्चर पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये अगले टॉपिक का पार्ट है। फिलहाल जितना अपने को समझ सकते हैं उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, डिटेल में भर भर के कंसेप्ट हम लोग एक्चुअल टॉपिक के वो डिस्कस करेंगे। ओके सो मार्जिनल कॉस्टिंग में यू हैव टू रिमेंबर कि मार्जिनल कॉस्टिंग अगर फॉलो होता है तो उसके फॉर्मेट में प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या कंसिडर किया जाएगा? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसिस, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन जब आप एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, ओके, तो उसमें आप क्या क्या कंसीडर करेंगे? मटेरियल, लेबर कंसीडर करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर करेंगे, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कंसीडर करेंगे, और इसके बाद फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड भी कंसीडर करेंगे। ओके नाउ फ्रेंड, जल्दी से बताइएगा मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में प्रोडक्ट कॉस्ट में डिफरेंस क्या है? वो कौन सा पॉइंट है जो कंसीडर नहीं किया है? जल्दी से चैंप लोग आंसर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग ये दो अलग मेथड है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट कंसीडर करते वक्त, ठीक है, हम लोग कौन सा एक ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है? फिक्स्ड, ओके
वंश जी आपने आंसर दिया फिक्स्ड कॉस्ट। बॉस लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट में फिक्स फैक्ट्री भी आएगा, फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा, फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, सो वी शुड बी प्रॉपरली राइट। ओनली फिक्स्ड नहीं है। नहीं सर, कुछ लोग सिर्फ फिक्स्ड आंसर लिख रहे हैं, कोई लोग सिर्फ फिक्स्ड आंसर लिख रहे हैं। चैंप लोग सिर्फ फिक्स्ड नहीं, मैंने आगे स्पेसिफिकली क्या बोला है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, इसको आप नाम दे देना प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। ओके तो सर जी आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्री ओवरहेड। अरे भाई फिक्स्ड ओवरहेड तो आपको सेलिंग में भी लगने वाला है, फिक्स्ड ओवरहेड आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी लगने वाला है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, तो कौन सा कंसिडर करेंगे, सिर्फ फैक्ट्री का है बॉस। ओके तो याद रहेगा ये पॉइंट, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट कंसिडर करते वक्त सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कंसिडर करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में वो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कंसिडर नहीं करते। ओके अब फ्रेंड्स, अब सिंपल मीनिंग क्या है, कुछ स्टूडेंट बोले सर यानी एग्जैक्ट तो बताओ भाई प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, एग्जैक्ट तो बताओ प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है। ओके फ्रेंड्स एकदम सिंपल है, जब आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे यानी आपका ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं फ्रेंड्स, समझ में आया तो लाइक कर देना। प्रोडक्ट कॉस्ट आप बुक्स में देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट एक्सप्लेनेशन है, ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझी गया, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। जब आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हो, ठीक है, जब आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हो, और आगे मेरा एक क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आपको देना है, जब आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हो तो जो जो कॉस्ट आपने कंसिडर किया वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते वक्त यानी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त जो जो कॉस्ट आपने कंसिडर किया है, दैट ऑल कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, स्टॉक वैल्यूएशन करते वक्त, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करते वक्त, उसका कॉस्ट डिटरमाइन करते वक्त जो जो कॉस्ट आप कंसीडर करते हो तो वो आएगा आपका प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक वैल्यूएशन करना चाहते हो तो मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसिस आएगा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, लेकिन एक अलग मेथड है एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, वो मेथड जब आप फॉलो करेंगे तब ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करते वक्त मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसिस आएगा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आएगा एंड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। ओके आई होप नाउ ये पॉइंट क्लियर है कि प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है भाई, प्रोडक्ट का कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करते हो जो जो कॉस्ट आप कंसीडर करेंगे, ऑल दैट कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। अरे चैंप लोग, अरे झेपा क्या चैंप लोग, झेपा का ये कंसेप्ट, प्रोडक्ट का वैल्यूएशन करते वक्त जो कॉस्ट कंसिडर किया इट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। जी हां सर। एंड अगला कंसेप्ट आता है, अगला कंसेप्ट आता है पीरियड कॉस्ट। अच्छा झेपा, ओके वेरी गुड। चलिए अगला कंसेप्ट आ रहा है फ्रेंड्स आपका पीरियड कॉस्ट, ध्यान से सुनिएगा, एक आया आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, दूसरा आपका पीरियड कॉस्ट। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये ऊपर वाले कॉस्ट छोड़ के बाकी जो जो कॉस्ट लगेगा वो आएगा आपका पीरियड कॉस्ट, वो आएगा आपका पीरियड कॉस्ट। ये छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, वॉट एवर, ये छोड़ के जो जो एक्सपेंसेस आएंगे वो आएंगे आपके पीरियड कॉस्ट। ठीक है जी हां, दोनों मेथड में अलग अलग आता है, ये अलग अलग मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। जैसे मैं सिंपल बता देता हूं कि दो अलग अलग क्या रहता है, जैसे डेप्रिसिएशन आप स्ट्रेट लाइन मेथड से फॉलो कर सकते हो या WDV मेथड से फॉलो करते हो, दोनों में आंसर तो अलग आता है ना बॉस, दोनों में आंसर अलग आता है ना, तो ये वैसा ही ये दो अलग मेथड है। ठीक है, जो हमें एज अ सेपरेट टॉपिक पढ़ना है तो वहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, दिक्कत नहीं आएगा। अगे चलिए, तो ये कॉस्ट छोड़ के बाकी जो भी कुछ कॉस्ट है वो प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ पीरियड कॉस्ट। मेरा एक जेन्यून क्वेश्चन है आपसे, मेरा आपसे एक जेन्यून क्वेश्चन है, देखते हैं वो जेन्यून क्वेश्चन का आंसर कितना लोग दे सकते हैं, एकदम जेन्यून क्वेश्चन है। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में यह बताया प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, जब आप इन्वेंट्री वैल्यू करते हो, जब आप इन्वेंट्री वैल्यू करते हो तो जो कॉस्ट आप कंसीडर करते हैं वो प्रोडक्ट कॉस्ट है,
और इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हो, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये जब आप कैलकुलेट करते हो, तो जो जो कॉस्ट आपने कंसिडर नहीं किया है वो आपका पीरियड कॉस्ट है। अब मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है, एंड दैट क्वेश्चन इज, फ्रेंड्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, देखते हैं कितना लोग चैंप लोग है, कितना लोग सोच सकते हैं, बेसिक कितने लोगों का क्लियर है। फ्रेंड्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मैंने कंसिडर क्यों नहीं किया? बहुत ही खूंखार क्वेश्चन है, बहुत ही खूंखार क्वेश्चन है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कंसिडर क्यों नहीं किया? चलो आप इसका आंसर दे दीजिएगा। जिसको कंसेप्ट क्लियर है वो इसका आंसर दे सकता है, जो सोच सकता है कि क्या हो रहा है फैक्ट्री में, सेलिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो आंसर दे सकता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर व्हाई ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमने कंसिडर नहीं किया है। तो आपको एब्सोल्युटली यानी दिमाग में फिट हो जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है और पीरियड कॉस्ट क्या है। पूछो क्यों, एक आंसर आ गया राहुल जी, राहुल जी शेलर, क्योंकि वो अभी तक इनकर नहीं हुआ है सर। ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक इनकर नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद दे डज नॉट एड वैल्यू, ठीक है देखते क्योंकि वो अभी तक इनकर नहीं हुआ है। नेक्स्ट सर, कॉज वो जितना सेल हुआ उस पे ही डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, ठीक है ओके। इसके बाद सेलिंग प्राइस कंटेन ओनली प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, नो। इसके बाद बिकॉज इट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है तो बराबर है आपका, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, फिर क्यों नहीं लिया? बिकॉज दे आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मालिक वंश जी ओवरहेड भी तो इनडायरेक्ट है, ओवरहेड भी तो कंसिडर किया है। Okay, इसके बाद इट इज अ पीरियड कॉस्ट, वाई इट इज अ पीरियड कॉस्ट, वही तो अपना डिस्कशन है, वही तो आपको पॉइंट क्लियर करना है। बिकॉज इट इज नॉट प्रोडक्ट कॉस्ट एंड इट इज आफ्टर प्रोडक्शन, ठीक है। प्रवीण कुमार, सिर्फ आप लव डाल रहे हो कॉस्टिंग के बारे में, अरे आंसर दो बॉस। बुक वॉर्म, क्या नाम रखा है, तोड़ मालिक। बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस सो दे आर नॉट कंसिडर। बुक वॉर्म देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसलिए कंसीडर नहीं किया, ऐसा नहीं है। ये जो वेरिएबल ओवरहेड है या फिर फिक्स्ड ओवरहेड है फैक्ट्री के, ये भी तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ये भी तो इनडायरेक्ट है, ये भी ओवरहेड है, फिर भी हमने कंसीडर किया। चलिए रितेश जी का आंसर देख लेते। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बार बार करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज इट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नहीं, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर सकता हूं, सेल ही नहीं हुआ है। ये बहुत ही जबरदस्त आंसर दिया भावेश ने, भावेश जी ने, सेल ही नहीं हुआ है, बरोबर है। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट हेंस, ओहो बिंदु जी, ठीक है, इन्होंने एक जबरदस्त अकाउंटिंग का कंसेप्ट बता दिया, एकदम बराबर है। इन्होंने कंसेप्ट बताया कि स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, इंप्रेस्ड बाय योर आंसर। इन्होंने बोला बिंदु जी, इन्होंने बोला स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट एंड हेंस इट शुड नॉट बी कंसिडर। अच्छा, वेरी गुड, आगे और एक्सप्लेन करता हूं, बराबर है ओके। तो फ्रेंड्स जबरदस्त आंसर दिया कुछ स्टूडेंट ने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कब होता है? प्रोडक्शन करते वक्त होता है या बेचते वक्त होता है? ऑब्वियसली बेचते वक्त होएगा। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, सपोज वी आर जस्ट डिस्कसिंग द क्लोजिंग स्टॉक, अब भाई क्लोजिंग स्टॉक पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लगेगा क्या? क्लोजिंग स्टॉक क्या रहता है भाई, करंट ईयर में से लेस करते हैं, अगले साल में एड करते हैं, बराबर है ना? अरे भाई बराबर है। सपोज आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस करते हो तो क्लोजिंग स्टॉक आपको क्रेडिट साइड में लिखना है और अगले साल वो ओपनिंग स्टॉक में जाएगा। तो जो स्टॉक आपने बेचा ही नहीं है, जो स्टॉक आपने बेचा ही नहीं है, तो उस पर आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भैया कैसे लगेगा? जो बेचा ही नहीं है उस पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कैसे लगेगा? दैट्स व्हाई आई होप मैं कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में फिट कर पा रहा हूं कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है और पीरियड कॉस्ट क्या है।
जो प्रोडक्शन के लिए लगता है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, बाकी सारे आपके कहां पे जाएंगे, पीरियड कॉस्ट में जाएंगे, ठीक है। और जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है फ्रेंड्स, वो तो हम लोग बेच ही नहीं रहे इस साल, अगले साल प्रोबेबली वो बेचेंगे, तो जो बेचा ही नहीं है उस पे सेलिंग कमीशन किसको पे करना पड़ेगा, जो बेचा ही नहीं है उसको मार्केटिंग का एक्सपेंसेस, जो बेचा ही नहीं है उसमें ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस लगेगा ही नहीं। आई होप एब्सोल्युटली क्लियर है ये प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, ठीक है। बस आपको अभी ये नहीं समझ में आएगा कि यहां पे वेरिएबल ही क्यों कंसीडर किया है या फिक्स्ड क्यों कंसीडर किया है, ठीक है। डिटेल में वो टॉपिक में बता दूंगा, लेकिन कल हमने मार्जिनल कॉस्ट सीखा था सर, कल हमने मार्जिनल कॉस्ट सीखा था। यस, एडवर्टाइजमेंट भी पीरियड कॉस्ट है। कल हमने मार्जिनल कॉस्ट सीखा था। अरे जल्दी बोलो, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेरिएबल कॉस्ट एंड मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड। यही तो वेरिएबल कॉस्ट है प्रोडक्शन करते वक्त, मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट नहीं आना चाहिए। दैट्स वाई यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडर नहीं किया है मालिक। फिलहाल आप इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन समझिएगा, टॉपिक के वक्त डिटेल में बता देगा। अगेस, सो ये था आपका प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। चलिए ध्यान से सुनिएगा क्या है। प्रोडक्ट कॉस्ट पढ़ रहा हूं अभी, आपके सामने है, नोट्स भी एक बार देख लीजिएगा। अगेस, चलिए प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इनकर्ड टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, यानी इन शॉर्ट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। हेंस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएबल एज वेल एज फिक्स कॉन्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कॉस्ट। मैंने तो आपको अच्छे से लिस्ट बना के दे दिया, राइट फ्रेंड्स? मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एंड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, ये हो गया आपका एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। और मैंने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट कंसिडर क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का डेफिनेशन हमने देखा, मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन हमने देखा, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है इट इज अ मार्जिनल कॉस्ट, और एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है, फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहता है। ओके, एक क्वेश्चन आया है रजनी जी, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है सर क्लीनिंग स्टाफ का वेजेस क्या होगा। ओके वेरी गुड, अब आप ही मुझे बता दो कि क्लीनिंग स्टाफ सपोज कहां पे है, फैक्ट्री में है तो वो कहां पे जाता है, फैक्ट्री में है तो वो कहां पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, ठीक है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग में क्लीनिंग चल रहा है तो वो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं हो सकता, वो आपका पीरियड कॉस्ट है, फैक्ट्री में है ना, बराबर है ना। क्लीनिंग का अगर फैक्ट्री में है, फैक्ट्री क्लीन कर रहे हैं तो वो कहां पे जाता है, हमने देखा था ना, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, और है ना सर यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्ट कॉस्ट में है ना फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। चलिएगा फिर पीरियड कॉस्ट के बारे में देखते हैं। दीज कॉस्ट आर द कॉस्ट विच आर नॉट असाइंड टू द प्रोडक्ट बट आर चार्ज एज एक्सपेंसेस अगेंस्ट द रेवेन्यू of the period in which they are incurred, ठीक है। Next point, सर जी expenses यानी P&L के debit side में लिखना। All non-manufacturing cost, यानी administration, selling and distribution, such as a general administrative expenses, selling and distribution expenses are recognized as a period cost. ठीक है। एक क्वेरी पूछा है एक स्टूडेंट ने, मालिक सर आप बता दीजिए एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है। ओके, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है? बाय द वे हम लोग तो एक पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ओवरहेड्स, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड ओवरहेड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ओके, फिर भी मैं आपको बता देता हूं एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको जितना सिंपल लैंग्वेज में समझेगा उतना मैं आपको बता देता हूं, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। दर्शन जी मंत्री, ओके सो फ्रेंड्स दर्शन जी मंत्री इनका बर्थडे, ओके दर्शन जी मंत्री इनका बर्थडे है, एंड
दर्शन जी मंत्री को हम लोग सब बर्थडे गिफ्ट देने वाले हैं, ठीक है? तो हमने एक बर्थडे गिफ्ट सोचा इनको, एक अच्छे से स्मार्ट वॉच दे दिया। क्या है? एक स्मार्ट वॉच दे दिया, ठीक है? एप्पल कंपनी का स्मार्ट वॉच दे दिया। कौन से कंपनी का? एप्पल कंपनी का स्मार्ट वॉच दे दिया, जिसकी कॉस्ट थी 30,000, ठीक है? एप्पल कंपनी का स्मार्ट वॉच दे दिया 30,000, ठीक है? तो ये जो 30,000 का मैंने इनको एप्पल वॉच दे दिया, मैंने बोला मैं थोड़ी 30,000 खर्चा करूंगा, अपने क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है, वो सारे बेयर करेंगे। तो से फॉर एग्जाम्पल अभी 60 स्टूडेंट है, से फॉर एग्जाम्पल 60 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है? 60 स्टूडेंट है। तो हर एक स्टूडेंट को आई गेस 500 रुपए आ गया। हर एक स्टूडेंट को कितना है? इज इट 500 रुपए आ रहा है? एक बार चेक कर लो, हर एक स्टूडेंट का 500 रुपए आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आपने क्या किया, एक जो 30,000 का कॉस्ट था वो हर एक स्टूडेंट में एब्सॉर्ब किया। क्या है? हर एक स्टूडेंट में क्या किया आपने? एब्सॉर्ब किया। तो दिस इज कॉल्ड एज एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। हर एक को थोड़ा थोड़ा आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। एक ही आदमी पे वो पूरा बेयर नहीं होना चाहिए, पूरा 30,000 मैंने बेयर नहीं किया। तो मैंने क्या किया, जितने भी स्टूडेंट थे आपके फ्रेंड्स, उन सबसे मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन लिया। दर्शना मंत्री, ओके, अच्छा दूर से वो मुझे दर्शन मंत्री है, दर्शना मंत्री, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ओके, लेकिन आपका बर्थडे है, आपको स्मार्ट वॉच दिया है हम लोगों ने, ठीक है? तो 30,000 रुपीज का स्मार्ट वॉच दिया, 60 स्टूडेंट थे सपोज, 500 रुपए हर एक को डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट? अगेस, तो फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल देता हूं, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, एक और एग्जाम्पल, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, आराम से समझ में आएगा, डिटेल में टॉपिक में बताऊंगा ही, लेकिन डाउट पूछा है तो क्वेरी का आंसर मैं देने ही वाला हूं। ओके, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आपके फैक्ट्री में 5 प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? एक है आपका 3 सीटर बेंच, नेक्स्ट है आपका 2 सीटर बेंच, नेक्स्ट है आपका सपोज 4 सीटर बेंच, इसके बाद है आपका 5 सीटर बेंच, और इसके बाद आप मैन्युफैक्चर करते हो चेयर, ठीक है? तो से फॉर एग्जाम्पल आप ये सारे बेंच और चेयर मैन्युफैक्चर करते हो, 2 सीटर बेंच, 3 सीटर बेंच, 4 सीटर बेंच, 5 सीटर बेंच और चेयर्स, ये आप 5 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो। अगेस, आपको फैक्ट्री का रेंट लगा, फैक्ट्री का रेंट लगा आपको 1 लाख रुपीज, फैक्ट्री का रेंट लगा आपको 1 लाख रुपीज। अब ये जो 1 लाख है, ये 2 सीटर बेंच को डालेंगे, 3 सीटर बेंच को डालेंगे, 4 सीटर बेंच को डालेंगे, 5 सीटर बेंच को डालेंगे या चेयर को डालेंगे? चलो जल्दी जल्दी आप आंसर दे देना। रेंट लगा है आपको 1 लाख रुपीज का, फैक्ट्री में कुछ सैलरी वगैरह आपने पे किया है, 1 लाख रुपीज का सैलरी है। अब ये बता दीजिएगा, ये जो कॉस्ट आपको लगा है, ये कॉस्ट 2 सीटर बेंच को लगा है, 3 सीटर बेंच को लगा है, 4 सीटर बेंच को लगा है, 5 सीटर बेंच को लगा है या चेयर को लगा है? चलो आप आंसर दीजिएगा, दर्शना जी या फिर बाकी स्टूडेंट आंसर दीजिएगा। ये जो रेंट है फैक्ट्री, फैक्ट्री का रेंट, ये कौन से प्रोडक्ट के लिए लगा है? ओके, दीपिका जी इन्होंने बोला है सभी प्रोडक्ट को लगा है, नितिन जी बोले सबको लगा है, ठीक है? मुक्ता जी बोल रहे 20,000, अच्छा उन्होंने क्या किया है, मुक्ता जी तो अगले स्टेप पे चले गए, इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपीज का कॉस्ट है और 5 प्रोडक्ट है, डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर दिया, 20,000 20,000 20,000 20,000 हर एक प्रोडक्ट को दिया, वेरी गुड, अच्छा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है? सभी को लगेगा, ओके, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? सबको लगेगा, ठीक है, राइट फ्रेंड्स? तो सपोज आपका ही मैं मान लेता हूं, डिवाइड इंटू ऑल प्रोडक्ट, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट को जाना चाहिए, यानी सबका आंसर तो ये, हर एक प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, बरोबर है? तो इसका मतलब क्या है, 20,000 सपोज आपका ही मैं आंसर ले रहा हूं, ठीक है? आगे हम लोग डिटेल में देखने वाले रेंट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 20,000 20,000 आपका आंसर ले रहा हूं, 20,000 20,000 20,000 20,000 मैंने हर एक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये जो कॉमन ओवरहेड थे ये एब्सॉर्ब किए, किधर चार्ज किए, प्रोडक्ट को चार्ज किए, यानी कहा क्या किया, एब्सॉर्ब किया, ठीक है?
पानी गिर जाता है, पोछा लगाते हो तो वो क्या पोछे में क्या होता है, एब्सॉर्ब हो जाता है, राइट फ्रेंड्स। तो ये था आपका रेंट, हर एक प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा आपने एब्सॉर्ब किया, इसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ओ भाई जेपा, आप ही आंसर दे रहे हो, मैंने आपका ही आंसर कंटिन्यू करके आपको वो कंसेप्ट बता दिया। हर एक प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा क्या किया, एब्सॉर्ब किया, ये था आपका कॉमन कॉस्ट, और हर एक प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने एब्सॉर्ब किया। अगेन आई होप आपका जो क्वेरी है वो क्लियर है। चलिएगा, चलिएगा दर्शन जी, पार्टी पेंडिंग है, हमने आपको स्मार्ट वॉच दिया है, आप पार्टी भी दे दीजिएगा। अच्छा, पार्टी आपने नहीं दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा गूगल पे अकाउंट है, वहां पे हर एक इसमें ट्रांसफर कर दीजिएगा, चलेगा, हम लोग हमारा हमारा पार्टी कर लेंगे, ठीक है। मेरा नंबर यह है 7887, ठीक है, वहां पे आप पैसा एब्सॉर्ब कर सकते हो। पार्टी चाहिए मैम, आपका बर्थडे था और हमने स्मार्ट वॉच दिया आपको। आगे चलिए। अच्छा, रजनी जी बोल रहे कि यस ऑल्सो मीन्स ट्रांसफरिंग द कॉस्ट, यस, जो कॉमन कॉस्ट लगा है वो हर एक प्रोडक्ट को, हर एक डिपार्टमेंट को चार्ज किया, बरोबर है। मैम पार्टी चाहिए दर्शना मैम, ओके चलेगा। अब आगे, यस पार्टी तो बनती है, सब लोग विश करो दर्शना जी को, पार्टी बनती है, ओके चलेगा। जोक सपोर्ट ध्यान दीजिएगा अभी। अच्छा, आपका भी बर्थडे, स्मार्ट वॉच दो, ओके कंफर्म देंगे, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करो, अपन बात करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं, चलिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब आगे एक खूंखार कंसेप्ट आ रहा है। हाँ भाई, सबका बर्थडे है, ठीक है, सबको 30,000 का वॉच दे देता हूं, यानी आप मुझे क्लास फीस देना 5,000 10,000, और आपको रिटर्न में यानी एग्जेंशन भी दूंगा, एग्जाम में 70-80+ मार्क्स भी, 90 भी आपको स्कोर करवा के दूंगा, ठीक है, और बदले में 30,000 का वॉच भी दूंगा। अगेस चलिए ध्यान दीजिएगा अभी, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, अगला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जी हाँ मालिक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सीए फाइनल में ये हर एक टॉपिक में कंसेप्ट यूज होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, चलेगा। बस बस बस, अभी बर्थडे विश करना बंद कर दीजिएगा, मैंने सबके बेसिस बिहाफ पे उनको विश किया है, ठीक है, सब लोग मेरे अकाउंट में 500 रुपीज ट्रांसफर कर देना, सो दैट वी कैन गिव गिफ्ट टू हर। अच्छा, 31 को पार्टी करेंगे, ओके चलेगा। अब मैसेज करना बंद कीजिएगा, मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, ओके फ्रेंड्स प्लीज बस करो ऑल, यस कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रेंड्स। प्रेस्टीज पॉइंट, यहां पे वी स्मार्ट एकेडमी, इनका क्लास है, ऑफिसेस है, ठीक है, मोर देन 6-7 क्लास है, या फिर इनका बहुत ही बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस है वी स्मार्ट, हमारा वी स्मार्ट एकेडमी का प्रेस्टीज पॉइंट में पुणे में, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल 100% दिमाग में फिट हो जाएगा। तो एक बड़ा क्लासरूम है, 5,000 स्क्वायर फीट का क्लासरूम है, विशाल सर का वो क्लासरूम है, विस्मार्ट एकेडमी का वो क्लासरूम है, 5,000 स्क्वायर फीट का क्लासरूम है, ओके ध्यान से सुनिएगा, वो क्लासरूम खुद का है, ओन्ड प्रीमाइसेस है, ठीक है, 5,000 स्क्वायर फीट का ओन्ड प्रीमाइसेस है, खुद का प्रीमाइसेस है विशाल सर का, ठीक है। नाउ विशाल सर ने वो 5,000 स्क्वायर फीट का जो क्लासरूम है या फिर वो जो प्रीमाइसेस है, उन्होंने वो अलोकेट किया, या फिर सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने वो यूज किया वी स्मार्ट एकेडमी के क्लासेस कंडक्ट करने के लिए, वी स्मार्ट एकेडमी के क्लासेस कंडक्ट करने के लिए, दैट 5,000 स्क्वायर फीट एरिया ओन्ड प्रीमाइसेस ऑफ विशाल सर, ठीक है, उनके करोड़ों के प्रॉपर्टी में ये एक प्रॉपर्टी है,
ठीक है, 5,000 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस था जो उन्होंने क्लास यूज कर रहे, क्लास के लिए यूज कर रहे, ठीक है। अब अगर ये प्रीमाइसेस में वो खुद का क्लासेस नहीं लेते थे, ठीक है, खुद का क्लासेस अगर वो नहीं लेते थे तो इनके पास क्या ऑप्शन था? इनके पास एक ऑप्शन था किसी और क्लास वाले को वो रेंट पे दे दे, किसी और क्लास वाले को वो रेंट पे दे दे और 5 लाख रुपीज पर मंथ का रेंट हासिल करे, 5 लाख रुपए पर मंथ का रेंट हासिल करे, या 5 लाख रुपए का रेंट बोले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वही बिल्डिंग में नीचे प्रिंटिंग प्रेस है, बहुत बड़े प्रिंटिंग का, यानी पुणे में सबसे बड़ा वो प्रिंटिंग का वहां पे होता है। तो एक प्रिंटिंग प्रेस वाले ने उनसे कोऑर्डिनेट किया और बोले ये अच्छा प्रीमाइसेस है आपका, यहां पे मैं अच्छे से वो मेरा प्रिंटिंग का सेटअप करना चाहता हूं, आई एम गोइंग टू पे यू 4 लाख रुपीज पर मंथ। ऑब्वियसली विशाल सर का वहां पे क्लास का सेटअप था, तो अगर किसी क्लास वाले ने वो लिया तो वो ज्यादा रेंट पे करेगा क्योंकि बेंचेस, प्रोजेक्टर वगैरह, ऑल दैट सेटिंग इज देयर। लेकिन प्रिंटिंग वाले को वो बेंचेस वगैरह प्रोजेक्टर का कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं, वो कभी क्लास में भी नहीं गया रहेगा लाइफ में, राइट। तो ये जो प्रिंटिंग वाला है वो बोला मुझे ये बेंचेस वगैरह नहीं चाहिए, मुझे ये सिर्फ ओपन क्लासरूम ही ये एज ए ऑफिस में ट्रीट करूंगा और 4 लाख रुपए आपको पे करूंगा। अब पॉइंट इज दैट, कंसेप्ट इज दैट, वीस्मार्ट एकेडमी ने अगर, विशाल सर ने अगर वो प्रीमाइसेस में क्लासेस कंडक्ट किया तो उन्होंने रेंट की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। देखो आप, वेदर आई एम मेकिंग सेंस, देखिए आपको कुछ पॉइंट समझ में आया क्या? उन्होंने क्या किया है, वीस्मार्ट एकेडमी ने क्लासेस यहां पे कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसके वजह से इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। किसका अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया? ये अभी रेंट पे नहीं दे सकते। ओके, अब आप मुझे बताएंगे अगर वीस्मार्ट एकेडमी, विशाल सर क्लासेस चला रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी लूज हुआ है, टोटल कितने रुपीस पर मंथ का अपॉर्चुनिटी लूज हुआ है? जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। टोटल कितने रुपीस का अपॉर्चुनिटी मिस हुआ है? देखते कितने लोग करेक्ट आंसर देते, कितने लोग गलत आंसर देते। अपॉर्चुनिटी तो गया है फ्रेंड्स, क्योंकि वो क्लासरूम किसी और को रेंट पे दे सकते थे, 5 लाख रुपए का रेंट आ सकता था या 4 लाख रुपए का रेंट आ सकता था। तो अपॉर्चुनिटी एक्चुअल में कितना गया है, कि 5 लाख का गया है, 4 लाख का अपॉर्चुनिटी गया या 9 लाख का अपॉर्चुनिटी गया? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे 1 लाख। ओहो, खूंखार आंसर आया, एक 1 लाख, क्या बात है, उन्होंने 5 लाख और 4 लाख सब्सक्राइब कर दिया, तोड़ मालिक, लेकिन गलत है। नहीं, प्रगति शिंदे जी नहीं, 1 लाख नहीं, आशीष जी सिंह 1 लाख नहीं, शुभम मुंदड़ा जी 9 लाख नहीं। आप ही सोचो ना, क्लास नहीं लिया, सपोज विशाल सर ने, अगर विशाल सर ने क्लास नहीं लिया तो क्या 9 लाख रुपए का रेंट मिलेगा क्या? यानी आप सोचो ना, एक जगह पे प्रिंटिंग भी चल रहा है और दूसरे जगह पे क्लास भी चल रहा है, धपाधप वहां पे आवाज आ रहा है और यहाँ पे ये जोर जोर से चिल्ला रहा है, स्टूडेंट को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, उनको कुछ भी काम करते नहीं आ रहा है, दोनों ऑप्शन एक साथ हो सकता है या एक साथ एक ही ऑप्शन करना पड़ेगा? अब बोलो आप आंसर। शायद जिन जिन लोगों ने 9 लाख का आंसर दिया था उनको मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया। अरे अगर मैं यहां पे क्लास नहीं लेते, विस्मार्ट एकेडमी अगर यहां पे क्लास नहीं लेते, क्या ये दोनों को वो रेंट पे दे सकते हैं या दोनों में से किसी एक को देंगे? और इफ यू आर अ प्रूडेंट पर्सन, आप 4 लाख की रेंट लेना पसंद करेंगे या आप 5 लाख की रेंट लेना पसंद करेंगे? आप 4 लाख की रेंट लेना पसंद करेंगे या आप 5 लाख की रेंट लेना पसंद करेंगे? कोई खुद का घाटा करेगा क्या? आंसर इज नो। मींस क्या है, कुछ लोग एकदम खूंखार आंसर लिख रहे हैं, एकदम बराबर आंसर लिख रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव का जो आपने अपॉर्चुनिटी लूज किया, दैट यू हैव टू कंसिडर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है।
अब ये एग्जाम्पल मैं कंसेप्ट पे फिट करता हूं, अब ये एग्जाम्पल मैं कंसेप्ट पे फिट करता हूं, लाइक कर देना फ्रेंड्स, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है। अब डायरेक्टली ऐसा पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं झेपेगा। अब ये एग्जाम्पल अपने दिमाग में है कि हम लोग क्लास ले सकते थे, क्लास लेने की वजह से हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी लूज किया, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव हम लोग लूज कर रहे, ठीक है। तो वो क्या है एक बार चेक करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट रेफर टू द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड और बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन इन एक्सेप्टिंग एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। क्या है? सेक्रीफाइस इज डन। ओके, सो वी स्मार्ट एकेडमी ने, विशाल सर ने क्लास लेने की वजह से सेक्रीफाइस किया। आप रेंट इनकम का सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप रेंट इनकम का सेक्रीफाइस कर रहे हो, राइट फ्रेंड्स? सो ये था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, एक एग्जाम्पल दिया है वहां पे, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एन एग्जाम्पल इज दैट आपका फैक्ट्री है चैंपलोग, चैंपलोग प्राइवेट लिमिटेड आपका फैक्ट्री है, बेंच मैन्युफैक्चर करते हो, कैपेसिटी इज 500 बेंचेस पर डे, आप इतना मैन्युफैक्चर करते हो, लेकिन भर भर के डिमांड आ रहा है आपके जो प्रोडक्ट है उसको, भर भर के डिमांड आ रहा है। ओके, तो आपको आपके प्लांट का कैपेसिटी बढ़ाना है, वो प्लांट का कैपेसिटी बढ़ाना है, प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ाना है, इसके लिए आपको 5 करोड़ रुपए लगने वाला है। क्या है? 5 करोड़ रुपए का आपको कैपिटल लगने वाला है ये एक्सपांशन करने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि डिमांड तो है आपके प्रोडक्ट का, तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 5 करोड़ का आपको एक्स्ट्रा फंड लगेगा। आपने क्या किया? आपका डूबा हुआ बैंक, डूबा बैंक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये बैंक में आपका 5 करोड़ का एफडी था, बैंक का नाम है डूबा बैंक, ठीक है। डूबा बैंक में 5 करोड़ का आपने फिक्स डिपॉजिट लाया डाला था, वो फिक्स डिपॉजिट पे सपोज आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, एफडी में 10% का इंटरेस्ट था। अब ये 5 करोड़ का एफडी आपने विड्रॉ किया और वो विड्रॉ करके आपने लगा दिया आपके बिजनेस में, तो ये 5 करोड़ बिजनेस में लगाने की वजह से आपका कितने का नुकसान हुआ? 5 करोड़ का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 5 करोड़ का नुकसान हुआ। 5 करोड़ पे 10%, आई एम सॉरी, 5 करोड़ पे 10% यानी 50 लाख होता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आएगा? 50 लाख आएगा। आई होप ये एग्जांपल क्लियर है। 5 करोड़ की एफडी की थी आपने बिजनेस के लिए, वो 5 करोड़ लगा दिया, तो यहां पे 5 करोड़ लगाने की वजह से आपने अपॉर्चुनिटी लूज किया, अब आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो 50 लाख रुपए का इंटरेस्ट 5 करोड़ पे ये आप फरगो करते हो, ये आया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दीपक जी पूछ रहे हैं अगर क्लास से सर ओनली 4 लाख ही आता ना देन। अच्छा, क्लास से 4 लाख आता था। ओके, क्लास से 4 लाख आता था, यहां से भी 4 लाख आता था, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करो, आपको दोनों में से जो पसंद है ठीक है, तो वहां पे आप सिलेक्ट कर लेना। ए, क्या टाइम पास कर रहे थे? ए, टाइम पास लोग क्या है, कॉपी पेस्ट क्या कर रहे हो? इधर ध्यान दो, क्या चल रहा है ये चैंप लोग, क्या टाइम पास है, कॉपी पेस्ट क्या कर रहे हो? अब मैंने ऊपर के मैसेजेस देखे नहीं, ध्यान दो क्या कर रहे हैं। मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, इतनी जान डाल रहा हूं, और इधर कॉपी पेस्ट की बात चल रही है। ध्यान से सुनो रे, बहुत पाप लगेगा, ऐसा मत करो, चलिएगा। सो ये था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आपको कंसीडर करना है, ठीक है। ये पैसा अगर मैं यहां पे नहीं यूज करता था तो किसी और जगह पे यूज होता था, तो जो बेस्ट पॉसिबल है वह अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर किया जाएगा। चलिए,
नेक्स्ट अगले कंसेप्ट पे आता हूं, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इंप्यूटेड कॉस्ट। अब आप मुझे बताना, आज ही हम लोगों ने एक इंप्यूटेड कॉस्ट के बारे में सीखा था। ये जो इंप्यूटेड कॉस्ट है इसके रिलेटेड एक और कॉस्ट हमने ऊपर पढ़ा है, आप प्लीज बता देना वो कौन सा है। ठीक है, मेरा थोड़ा याददाश्त कमजोर है, गजनी हूं मैं थोड़ा। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे इंप्यूटेड कॉस्ट। दीज कॉस्ट आर नोशनल कॉस्ट, नेशनल नहीं है, दीज कॉस्ट आर नोशनल कॉस्ट, रुकिए आगे पढ़ो, विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले, ऑल्सो कॉल्ड एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एग्जाम्पल रेंट ऑफ ओन्ड प्रीमाइसेस, देन इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल विच इज नॉट एक्चुअली पेड, विच इज नॉट एक्चुअली पेड। ये क्या आपका इंप्यूटेड कॉस्ट, जहां पे आपका कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है। इंप्यूटेड कॉस्ट में कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल खुद के प्रीमाइसिस में, खुद के प्रीमाइसिस में मैं मेरा ऑफिस चला रहा हूं सीए का, तो खर्चा लेते वक्त मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई मुझे, मैं किसी और को रेंट पे देता था तो मुझे रेंट मिलता था। ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं होता है। या फिर इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, मैंने मेरे बिजनेस पे पैसा लगा दिया। ठीक है, अब मैं खुद को इंटरेस्ट नहीं देता हूं। ओके, तो यस, कुछ लोग आंसर बराबर दे रहे, इंप्लिसिट कॉस्ट हमने ऊपर पढ़ा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एकदम बराबर है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंप्यूटेड कॉस्ट। ठीक है, सो हियर वी कंप्लीटेड ऑल द इंपॉर्टेंट, ये 13 कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। जी हाँ, आप बराबर बोल रहे हो, इंप्यूटेड इंप्लिसिट कॉस्ट जहां पे कैश आउटफ्लो नहीं होता है। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये, डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आज के ये जो सारे कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में फिट हो गए। जी हाँ, ये सब सेम ही है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे, यस दे आर ऑल सेम। ओके, सो फ्रेंड्स यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आगे लगने वाले हैं ये हमने कंप्लीट कर दिया। मैं आपको वापस बता दूं, अभी भी कुछ थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करना बाकी है, जैसे कि कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट डिडक्शन का जो डिफरेंस है वो डिस्कस करना बाकी है, या फिर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग डिस्कस करना बाकी है। ठीक है, और कुछ 3 या 4 क्वेश्चन थ्योरी ये डिस्कस करना बाकी है, वो फिलहाल हम लोग पेंडिंग रखने वाले हैं, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली अगले टॉपिक के रिलेटेड है, जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग उसके रिलेटेड, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग उसके रिलेटेड रहेगा। तो फिलहाल ये 4 या 3 क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा आगे मैं ही वो आपका करवाते जाऊंगा। ओके, तो यहां पे मेरा जो बेसिक कंसेप्ट का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, बेसिक का जो कंसेप्ट टॉपिक है वो मेरा यहां पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेरे लिए बहुत इजी रहता था अगर मैं किसी प्रैक्टिकल टॉपिक से आपको स्टार्ट करवा देता था। ठीक है, और आपको ऐसे खतरनाक इंप्रेस करता था, ये लो ये प्रैक्टिकल है, ठीक है ऐसा ऐसा है, इधर ये लिखना है उधर वो लिखना है, एक फॉर्मेट दिमाग में फिट कर दिया, आपको बोल दिया ये फॉर्मेट रट्टा मारो और चलो आगे, तो आपको लगता था अरे रे रे वाह 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 क्या सिखा रहा है भाई, जबरदस्त है ये तो। ठीक है, तो बाकी कुछ कंसेप्ट बताए नहीं, डायरेक्टली प्रैक्टिकल टॉपिक से अगर मैं शुरुआत कर देता हूं तो आपको स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा, लेकिन फ्रेंड जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तब तक वो जो अपन जो एम कर रहे हैं ना 70-80-90 प्लस मार्क्स वो नहीं मिलेगा। अगर बच्चे को यही नहीं पता कॉस्ट क्या है, अगर बच्चे को यही नहीं पता वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है, और मैं उसको पढ़ा रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मैं उसको पढ़ा रहा हूं जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, मैं उसको पढ़ा रहा हूं प्रोसेस कॉस्टिंग, हाँ वो फॉर्मेट तो रट्टा मार लेगा, वो फॉर्मेट तो रट्टा मार लेगा, लेकिन फ्रेंड्स उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो फाउंडेशन अगर आपका प्रॉपर रहेगा तो बिल्डिंग कितना भी बड़ा बन सकता है, लेकिन फाउंडेशन ही वीक है। ठीक है, मैं डायरेक्टली अगर प्रैक्टिकल टॉपिक से शुरुआत कर देता, हाँ आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता, अरे क्या जबरदस्त है ये प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छे से समझ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ये शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं है मेरा, मेरा अप्रोच लॉन्ग टर्म है। ठीक है, मुझे 1-2 लेक्चर में आपकी वाह वाह नहीं चाहिए,
मुझे पूरे जो अपने 85 लेक्चर है उसमें, हाँ भाई जबरदस्त किया इसने, कंसेप्ट एकदम खतरनाक किया, प्रैक्टिस तो और शानदार किया, ठीक है। तो मैं बिलीव करता हूं पहले भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, उसके बाद बच्चा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। हाँ लेकिन अगर मैं उसको बस बोल रहा हूं कि भाई तू ये है फॉर्मेट, ये डेबिट में ये लिख क्रेडिट में ये लिख, तो उसको यही नहीं समझेगा ऐसा कर क्यों रहे है? उसको समझेगा नहीं ये मटेरियल इधर क्यों लिखा, लेबर इधर क्यों लिखा एक्सेट्रा। तो बॉस ये यानी सीरियसली, यानी कुछ लोग स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल टॉपिक से, अरे ये बेचारा नन्हे मुन्ने बच्चे 12 ही पास, या फिर ये फाउंडेशन देके आए, इनके इनको कॉस्ट के बारे में सी भी नहीं पता है, और मैं डायरेक्टली उनको प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ा रहा हूं। नहीं ऐसा नहीं होता है भाई, आई बिलीव इन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फाउंडेशन में एकदम खतरनाक क्लियर करूंगा। तो यही डिफरेंस है फ्रेंड्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी में और डायरेक्टली रट्टा मार के आगे चलो। ये रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है नहीं, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आप ही देखो 4 या 5 लेक्चर अपना हुआ है, ये 5 लेक्चर में फ्रेंड्स आपको ऐसे कभी नहीं लगा रहेगा कि हम लोग ये थ्योरी पढ़ रहे, अरे सर ये क्या थ्योरी है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। अच्छे अच्छे छोटे छोटे जो आपको समझेगा एग्जाम्पल से, मैंने एक 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 कंसेप्ट आपका क्लियर करते चला हूं, और क्लैरिटी बढ़ेगा जैसे हम लोग और डिटेल में इसका प्रैक्टिस करेंगे। ओके सो यहां पे मैंने ये जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट किया है, ठीक है। जल्दी से पूरे टॉपिक का रिवीजन करवा देता हूं, और इमीडिएटली आपको आज एक नया चीज सिखाने वाला हूं, ठीक है। एंड वाला पार्ट जबरदस्त रहेगा, हम लोग एक स्टेप और ऊपर जाएंगे, ठीक है। एक फॉर्मेट आपको बताने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जो आपको कॉस्ट शीट एक्सेट्रा में हेल्प करेगा, ठीक है। चलेगा फ्रेंड्स, तोड़ मालिक। अब फटाफट से साथ में आपको चिल्ला चिल्ला के आंसर देना है, जल्दी से आंसर देना है, ओके। हर एक स्टूडेंट को आंसर देना है, जो लोग है लाइव में है या फिर बाद में ये लेक्चर देख रहे हैं, जल्दी से चिल्ला चिल्ला के आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग पूरा टॉपिक अगले 5 मिनट में रिवाइज करेंगे। यस, ये चैप्टर का 80% पोर्शन यहां पे मैं कंप्लीट कर रहा हूं, 20% पोर्शन मैंने आपको बोल दिया कि वो हम लोग बाद में थ्योरी रिवाइज करेंगे। ओके अब जल्दी से रिवीजन करता हूं और एंड में नया कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, ठीक है। रेडी? यस, ठीक है फ्रेंड्स। हर एक कंसेप्ट आपको बताना है, फटाफट से बताइएगा। तो हम लोग अभी लाइव क्लास में तो नहीं है, लाइव यानी फेस टू फेस क्लास में तो नहीं है, सो दैट मैं आपका आवाज सुनूं और आपको ये करूं, लेकिन फ्रेंड्स फटाफट से आप आंसर देना, कॉस्ट क्या है, क्या है कॉस्ट, जल्दी से बोलो। मॉनेटरी सेक्रीफाइसेस क्या है? मॉनेटरी सेक्रीफाइसेस डन टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका 2 टाइप का है, कौन से 2 टाइप का ऑब्जेक्टिव है? आइदर यू कैन मैन्युफैक्चर द गुड्स और यू कैन रेंडर, यू कैन प्रोवाइड द सर्विस। तो ये था आपका कॉस्ट का डेफिनेशन। फटाफट से आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगला डेफिनेशन है कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग क्या है? टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट वन कॉस्ट अकाउंटिंग, भाई एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने से लेके फाइनल एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हो, जो जो स्टेप्स आप परफॉर्म करते हैं वो सारे स्टेप आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट टाइम खूंखार क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग 6 या 5, 5 में कर सकते हो या 6 में लिख सकते हो आप। सबसे पहला था कॉस्ट एसरटेनमेंट करना, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट रिड्यूस करना, और मैनेजमेंट को डिसीजन लेते वक्त कुछ असिस्ट करना, हेल्प करना। कॉस्ट कंट्रोल के कुछ 5-4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किया, अब आपको यह पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड क्या था। इफ यू रिमेंबर, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एडवांस में जो कैलकुलेट किया था वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट था। एक्चुअल के साथ कंपेयर किया, आपका जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलेंगे वराइंस, एंड वराइंस के बेसिस पे मैनेजमेंट कुछ एक्शन लेगा। इसके बाद था कॉस्ट रिडक्शन, परमानेंट है कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, क्वालिटी अफेक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट का जो यूटिलिटी है फंक्शन से वो अफेक्ट नहीं रहेंगे कॉस्ट रिडक्शन में, लॉन्ग टर्म अप्रोच है वो। इसके बाद
असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू करना है, शटडाउन करना है, कौन सा प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करना है, एक्सेट्रा. ऑल सच टाइप ऑफ डिसीजन यू कैन टेक विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. नेक्स्ट पॉइंट था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बेसिकली तीन था, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसिस. मटेरियल में दो पार्ट, डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट, लेबर में दो पार्ट, डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसिस में दो पार्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसिस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस. ठीक है, इसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्लब होके जाएगा आपका ओवरहेड्स में. और ओवरहेड में फिर आपको ये डिसाइड करना है कि ये फैक्ट्री में लगे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में लगे हैं या सेलिंग करते वक्त लगे या गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त लगे हैं. तो वो एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री ओवरहेड में कंसिडर किया जाएगा. फटाफट से आगे बढ़ रहा हूं. मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल के कुछ पॉइंट है. मटेरियल विच इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डायरेक्ट मटेरियल भी बढ़ेगा. डायरेक्ट मटेरियल कैन बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट. और इसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्लियर है एकदम, कि एक शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 मीटर का कपड़ा लगेगा, एक्सेट्रा एंड सो ऑन. डायरेक्ट मटेरियल कहां पे जाता है? डायरेक्ट मटेरियल इज पार्ट ऑफ योर प्राइम कॉस्ट. जो फाइनल प्रोडक्ट में दिखता है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है, एकदम प्रॉपर. नेक्स्ट वन, इनडायरेक्ट मटेरियल, एक्जैक्टली अपोजिट है. मटेरियल डायरेक्टली यूज नहीं हुआ है, फाइनल प्रोडक्ट में उसका आइडेंटिटी नहीं है, ये कंज्यूम हो जाता है. दिस कैन नॉट बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट. ये सारे आपके इनडायरेक्ट मटेरियल है. और इनडायरेक्ट मटेरियल जाएगा आपका ओवरहेड्स में. अब कौन सा ओवरहेड है? अगर आपने इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में दे दिया तो ये फैक्ट्री ओवरहेड है. अगर इनडायरेक्ट मटेरियल आपने एडमिनिस्ट्रेशन करते वक्त दे दिया तो ये ऑफिस ओवरहेड है. अगर आपने इनडायरेक्ट मटेरियल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त दे दिया तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कंसिडर किया जाएगा. नेक्स्ट वन, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एम्प्लॉई कॉस्ट भी आप इसको बोल सकते हैं. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉई कॉस्ट में फ्रेंड्स, वर्कर विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, जिसका काम फाइनल प्रोडक्ट में दिखता है, वो सारे आपके डायरेक्ट वर्कर है. एंड डायरेक्ट वर्कर इज अ पार्ट ऑफ योर प्राइम कॉस्ट. नेक्स्ट वन, इनडायरेक्ट लेबर. फ्रेंड्स, वो इनडायरेक्ट लेबर में ना, ये लास्ट लाइन में प्रिंटिंग मिस्टेक था तो कुछ स्टूडेंट ने वो रेक्टिफाई कर लिया रहेगा आई गेस. यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था तो इनडायरेक्ट एक्चुअल में वो, ठीक है, आपको समझ में आ गया रहेगा क्योंकि वो हेडिंग इनडायरेक्ट है. ओके, सो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? वर्कर विच इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, जिसका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, जिसका काम फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिखता है, वो सारे आपके इनडायरेक्ट लेबर है. ओके, इनडायरेक्ट लेबर इज अ पार्ट ऑफ योर ओवरहेड्स. फिर आपको यह देखना है इनडायरेक्ट लेबर कहां पे था. फैक्ट्री में था तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस में था तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेल करते वक्त था तो सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त था तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में वो कंसिडर किया जाएगा. ओके, तो ये था आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. नेक्स्ट पॉइंट आपने यहां पे करेक्शन किया रहेगा, डायरेक्ट था वहां पे, गलती से इनडायरेक्ट है, कॉपी पेस्ट का वो गड़बड़ हुआ था मेरे से, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, ठीक है, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, अदर देन डायरेक्ट लेबर. जो प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होएगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका कम होएगा. तो ये था आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस. परफेक्ट एग्जांपल दिया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, रॉयल्टी, ठीक है, दर्शन चंडालिया एंड वीस्मार्ट एकेडमी का मैंने एग्जांपल दिया था. इसके बाद आउटसोर्सिंग चार्जेस, बेंच आप मैन्युफैक्चर करते हो, कलरिंग किसी और से करवा के लेते हो, ठीक है, ये भी मैंने डिस्कस करवाया था, राइट फ्रेंड्स. तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया आपने, एक्सेट्रा, आउटसोर्सिंग किया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया, ठीक है, तो ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर किया जाएगा. एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट. ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज जो नया पॉइंट सिखाने वाला हूं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में ही है, सॉरी ये जो एलिमेंट है उसके बारे में ही है. देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो जो खर्चा आपको लगा है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकते हैं, और उसके कुछ मैंने एग्जाम्पल भी लिए हैं. ओवरहेड्स, इसके बाद था ओवरहेड में तीन कैटेगरी था. प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन में जो लगता है उसको हमने बहुत अच्छे से इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अच्छे से चार्ट से समझा था, विद एग्जाम्पल समझा था कि कौन सा इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. इसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में सेम क्लासिफिकेशन किया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम क्लासिफिकेशन किया. अगेन अब आपको वो क्लासिफाई करते वक्त स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री, ये फॉलो करना है तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा कॉस्ट शीट बनाते वक्त. स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू एंड स्टेप नंबर थ्री, ठीक है ना. ये क्या था स्टेप नंबर वन, इफ यू रिमेंबर,
बताइएगा ये कॉस्ट कौन सी है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, एक्सेट्रा। इसके लिए मैंने तीन गोल्डन रूल आपको बताए थे, वो तीन गोल्डन रूल क्या है, एक ही मैसेज में आप बताएंगे। फटाफट से लिखिएगा, जल्दी, मुझे आगे का पार्ट सिखाना है, जल्दी से बताइएगा। 1 2 3 क्या था? मैंने बोला था आपको 1 क्या है, 2 क्या है और 3 क्या है, जल्दी से बताइएगा। नहीं याद आ रहा है? जल्दी, अब तक आंसर नहीं आया किसी का भी। ओके, मुक्ता जी इनका आंसर आया है कि भाई सबसे पहले दर्शन तू ये डिसाइड कर क्या ये मटेरियल है, उसके बाद दर्शन तू ये डिसाइड कर क्या ये लेबर है, या फिर ये डिसाइड कर अगर मटेरियल और लेबर दोनों नहीं है तो वो एक्सपेंसेस हो सकता है दर्शन। वेरी गुड, अगेस्ट। सो सबसे पहला पार्ट है क्या वो मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को यहां पे दिक्कत आती है कि वो डिप्रिसिएशन को बोल देते मटेरियल, मशीन को बोल देते मटेरियल। नहीं फ्रेंड, सबसे पहले मटेरियल में क्या कुछ तो टेंजिबल अपने पास आना चाहिए। लेबर का मतलब क्या, आप वेजेस और सैलरी पे करते हो, और ना वो मटेरियल है ना वो लेबर है, तो वो आपका खर्चा है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस है, ठीक है, किसी और से वो बिल आता है, तो वो आपका एक्सपेंसेस कंसिडर किया जाएगा। ओके ओके, वेरी गुड। फिर आपका सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड सेकेंड स्टेप में आपको ये डिसाइड करना है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। जी हाँ मालूम, सेकेंड स्टेप में आपको ये डिसाइड करना है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ओके, डायरेक्ट क्या, इनडायरेक्ट क्या, पता है प्रोडक्शन के लिए अगर डायरेक्टली लगता है तो ये डायरेक्ट है, अदरवाइज इनडायरेक्ट है। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि ये फैक्ट्री, अगर इनडायरेक्ट है, बाय द वे अगर ये इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री में लगा, एडमिनिस्ट्रेशन करते वक्त लगा, सेलिंग करते वक्त लगा, मार्केटिंग एक्सेट्रा करते वक्त लगा, या डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त लगा है। अगर ये तीन गोल्डन रूल फॉलो करेगा तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी कॉस्ट को क्लासिफाई करते वक्त डिफिकल्टी आएगी, ठीक है ना। तोड़ मालिक, ये तीन गोल्डन रूल किसी को बताना मत, छुपा के रखना ये ज्ञान, अपने आप में ही रखना ये ज्ञान, ठीक है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। कौशिक का क्वेश्चन आता है और पूछेंगे कि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, या फिर एक कोई एक नया कुछ आ जाता है, ठीक है, जो उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं रहता है, तो उनको ये पता ही नहीं रहता है कहां पे उसको आइडेंटिफाई करना है। तो बॉस हमें एकदम अच्छे से पता है ये सब कुछ। 1 2 3, फैक्ट्री में लगा है तो फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन लगा है एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग में लगा है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो भले ही फ्रेंड्स एग्जाम में कुछ अलग तरीके का कॉस्ट का एग्जाम्पल आ जाए जो आपने कभी नहीं पढ़ा रहेगा, तो बिल्कुल डरने का नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं, ये मेरे तीन स्टेप याद रखने के, ठीक है। कॉस्ट शीट बना रहे और ऐसा एक आइटम है, ठीक है, जो आपने कभी सपोज सीखा ही नहीं था, और बाय चांस अगर एग्जाम में आ जाता है और आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, बिल्कुल डरना नहीं। आपको क्या सोचना है, अच्छा ये कॉस्ट है, अच्छा ये कॉस्ट कहां पे लगा रहेगा, ये फैक्ट्री के रिलेटेड रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो ठीक है, मैं बताता हूं, अब तक एक आधा सपोज ऑडिटर का फीस, ठीक है ना, ऑडिटर का फीस है, ऑडिटिंग चार्जेस है, सपोज आपने ये कभी पढ़ा ही नहीं था, तो डरने का नहीं। आप सोचेंगे ऑडिट कहां पे करना है, अच्छा ऑडिट फैक्ट्री में तो नहीं होएगा, ऑडिट के लिए बुक्स रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ चाहिए, स्टेशनरी वगैरह सब कुछ चाहिए, तो ऑब्वियसली वो ऑडिट कहां पे होएगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डायरेक्ट है ही नहीं सर, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डायरेक्ट हो ही नहीं सकता, एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्ट कॉस्ट है। प्रोडक्शन के लिए कैसे लगेगा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। जी हाँ, तो आपने, मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि ऑडिट फीस वगैरह आपने पे कर दिया, ठीक है, या फिर आपने इंटरिम ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट करवाया, कंटिन्यूअसली ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट बाद में होगा, इंटरिम ऑडिट कंटिन्यूअसली आप ऑडिट कराया, तो ऑब्वियसली ऑडिटर कहां पे बैठेगा, ठीक है, ऑडिटर आपके ऑफिस में बैठेगा, तो वो ऑफिस रिलेटेड खर्चा हो जाएगा। फिर आपको ये डिसाइड करना है ये मटेरियल है या लेबर है या एक्सपेंसेस है, ठीक है भाई। ऑडिट इज नॉट अ मटेरियल, सीए ऑडिट कर रहा है, आपके पास कुछ मटेरियल नहीं आ रहा है, अच्छा लेबर, लेबर कब आएगा, जब वो आपका एम्प्लॉई है, लेबर कब आएगा, जब वो आपका एम्प्लॉई है, अच्छा भाई ऑडिटर एम्प्लॉई जनरली नहीं रहता है, ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन रहता है। हाँ, अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपके कंपनी में अपॉइंट किया है तो
तो वो वेजेस और सैलरी कंसिडर की वेजेस नहीं सैलरी कंसिडर किया जाएगा, और अगर थर्ड पार्टी रहेगा तो वो आपको बिल देगा, और अगर बिल देगा तो वो क्या होएगा, एक्सपेंसेस कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो हो गया एक्सपेंसेस है, ये डायरेक्ट है क्या? नहीं, प्रोडक्शन के लिए ऑडिट नहीं लगता है, तो ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट। फिर आपने देखा कहां पे लगा है, तो ये लगा है एडमिनिस्ट्रेशन में, बरोबर है। से फॉर एग्जाम्पल आपने आपने एक ये पढ़ा ही नहीं था कभी कि आपका जो व्हीकल है, आपकी जो व्हीकल है वो व्हीकल को कमर्शियल टैक्स लगता है, जिससे आप गुड्स फाइनल प्रोडक्ट एक्सेट्रा ट्रांसपोर्ट करते हो ना, जी हाँ, उस पर आपको टैक्स लग रहा है। तो ये आपने सपोज कभी सोचा ही नहीं था कि यार ये व्हीकल टैक्स तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, या फिर ये ऐसा कुछ आइटम अपन ने कभी देखा ही नहीं है व्हीकल का टैक्स। अब आपको ये सोचना है ये कहां पे आ सकता है, आपको ये सोचना है ये कहां पे आ सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो ना ये मटेरियल है ना ये लेबर है, तो ये क्या एक्सपेंसेस है। ओके, दीपिका जी इन्होंने आंसर दे दिया, ये एक्सपेंसेस है। ओके, ऑब्वियसली ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो व्हीकल में जा रहा है और व्हीकल डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, ये इनडायरेक्ट है, वेरी गुड। और ये कहां पे, डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं आ जाएगा, दीपिका जी आपने चेंज किया आंसर, बराबर है। ये जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलेगा, जनरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्लब ही करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डरने का नहीं मालिक, चैंप लोग डरने का नहीं, अगर ऐसा कोई आइटम आ गया तो बस उसको सोचो कि ये कहां पे लगा हुआ रहेगा, ठीक है, आप आराम से ये वर्किंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय एलिमेंट हो गया, इसके बाद हमने डिस्कस किया था, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था और बहुत मजा भी आया था काफी सारे स्टूडेंट को ये लेक्चर में, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकल था। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर और वेरिएबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर और वेरिएबिलिटी, जी हां, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट का और प्रोडक्शन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। और एक खूंखार लाइन था जो हमने सबको चिल्ला चिल्ला के बोला था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, तो कॉस्ट वेरिएबल है, फिक्स है, सेमी वेरिएबल है, हर एक का हम लोगों ने एक डिसाइड करने का एक आइडिया लिया था कि बॉस अगर पर यूनिट सेम आता है तो वो वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर सम एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट लाइन प्रेजेंट किया था, वो ओरिजिन से स्टार्ट किया था, एक्स एक्सिस पे आउटपुट था, वाई एक्सिस पे हमारा कॉस्ट था, आगे तक का था हमारा फिक्स्ड कॉस्ट लाइन। अच्छा, या फिर फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन, देर इज नो रिलेशनशिप ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, ठीक है, अप टू सर्टन लेवल फिक्स एक्सपेंसेस आर फिक्स, फिक्स कॉस्ट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितना भी प्रोड्यूस करो फिक्स कॉस्ट आपका सेम रहेगा। और वो जो खुंकार लाइन था, चिल्ला चिल्ला के बोला था, हर एक को बोला था, ठीक है, पापा मम्मी दोस्तों सबको बोला था, व्हाट्सएप पे स्टेटस रखा था कि फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम, फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। ओके, फिक्स कॉस्ट एंड टोटल शुड बी सेम, इन टोटल शुड बी सेम। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, कृष्णा जी हम लोग 8 बजे से क्लास ले रहे हैं, 21 से हमारा क्लास स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये हमारा 5th लेक्चर है। ओके, बाकी सारे लेक्चर YouTube पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ओके, मुक्ता जी वेरिएबल कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, क्या बात है, अच्छे क्वेश्चन पूछा आपने। चलो रे चैंप लोग ध्यान दो, इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर जी क्या वेरिएबल कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा ये। ओके, यानी क्लैरिटी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। इन्होंने बोला क्या सर वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉस्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट फ्रेंड्स, सेलिंग ओवरहेड आपको कमीशन पे करना पड़ रहा है, और हर एक यूनिट पे आपको ₹10 का कमीशन पे करना पड़ेगा,
आई एम सपोज एजेंट, आपके प्रोडक्ट में बेच रहा हूं मार्केट में, एक प्रोडक्ट बेचा मुझे 10 रुपए मिलेगा, पहले तो ये बता दीजिएगा ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स्ड कॉस्ट है। चलो चलो जल्दी बता दीजिएगा। बहुत अच्छा मुक्ता जी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से। ओ भाई जल्दी आंसर दो, जज्बात चेंज हो गए। सेलिंग ओवरहेड में एक एग्जाम्पल दिया है कमीशन, और कमीशन में मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कि भाई मैं आपका एक गुड्स बेचूंगा, ठीक है, आलू ले लो भिंडी ले लो, आपकी प्रोडक्ट बेच रहा हूं, 10 रुपए का कमीशन मुझे मिल रहा है। अच्छा तो सबसे पहले तो बता दीजिएगा ना ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है। मैं बेच रहा हूं आपका आलू ले लो भिंडी ले लो गाजर ले लो, आपका प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मुझे कमीशन दे रहे हो 10 रुपए। ओके ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। चलो ठीक है ये आ गया आपका वेरिएबल कॉस्ट है। चलो अब आप ही मुझे बता दीजिएगा क्या ये सेलिंग कमीशन वेरिएबल कॉस्ट है और क्या ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है। हाँ है सर ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब आप ही सोच के बताइए ना क्या ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते वक्त, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर करते वक्त, क्या ये मैं कंसिडर करूंगा, क्या मैं ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते वक्त ये सेल्स कमीशन कंसिडर करूंगा क्या। आपका आंसर है बिग नो, आपका आंसर है बिग नो, क्योंकि भाई लगा ही नहीं है क्लोजिंग स्टॉक, भाई जो कॉस्ट एक्चुअल में लगा है वही तो कंसीडर करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तो लगा ही नहीं हमें। ओगेस तो क्या ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, बहुत अच्छा डाउट पूछा, मजा आ गया। तो काफी आप बाकी स्टूडेंट को हेल्प होएगा ये क्लैरिटी आने में। तो वो क्या है, पीरियड कॉस्ट है, ठीक है। तो एक जबरदस्त कंक्लूजन मुक्ता जी, इनकी वजह से अपने को एक जबरदस्त कंक्लूजन मिला है। क्या ऑल वेरिएबल कॉस्ट, क्या ऑल वेरिएबल कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, बिग नो। क्या ऑल वेरिएबल कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, बिग नो। प्रोडक्ट कॉस्ट में प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट आएगा। परफेक्ट फ्रेंड, सो आ रहा है ना क्लैरिटी, वेरी गुड, जबरदस्त, अच्छा था आपका डाउट, चलेगा। बाकी लोगों को भी इसका हेल्प हुआ रहेगा, तो ऐसे क्वालिटी डाउट पूछते चलिएगा फ्रेंड्स, मजा आता है मुझे भी सिखाने में। चलिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट विच इज नॉट परफेक्टली फिक्स, कॉस्ट विच इज नॉट परफेक्टली वेरिएबल, इट इज कॉल्ड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट विच इज नॉट परफेक्टली फिक्स, कॉस्ट विच इज नॉट परफेक्टली वेरिएबल, इट इज कॉल्ड एज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें दोनों के बिहेवियर है, वेरिएबल भी कुछ पोर्शन है और फिक्स भी कुछ पोर्शन है। मैंने एग्जाम्पल दे दिया था सीए इंटर रैंक में आने के बाद वर्ल्ड टूर पे चले गए, फिर भी आपको टेलीफोन का बिल आ गया, क्योंकि टेलीफोन का बिल का दो पार्ट है, एक फिक्स रेंटल है और दूसरा यूसेज के बेसिस पे है। ओके एक और डाउट पूछा है प्रगति शिंदे इन्होंने, सर व्हाट इफ वी पे द कमीशन एट द टाइम ऑफ परचेसिंग द रॉ मटेरियल। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, रॉ मटेरियल परचेस करते वक्त बाइंग कमीशन पे किया, सेलिंग कमीशन नहीं, बाइंग कमीशन पे किया, तो मान ली एक बाइंग कमीशन आएगा या नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा, वो तो मटेरियल कॉस्ट में कंसीडर किया जाएगा ना। 1,000 रुपए का सपोज आपने मटेरियल परचेस किया, 100 रुपए का किसी को कमीशन पे किया, तो आपका 1,100 रुपए का मटेरियल हो गया, तो यस आएगा बाइंग कमीशन आएगा, वेरी गुड जी, यस एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेरी गुड राहुल जी, बराबर है, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वो मटेरियल कॉस्ट में आएगा, वेरी गुड, अच्छे अच्छे डाउट पूछ रहे हो तोड़ मालिक, मजा आ गया। ओके सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिस्कस कर रहा था, कुछ पोर्शन उसका वेरिएबल है और कुछ पोर्शन उसका फिक्स है, एंड उसके बाद हमने तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट कवर किया था, दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में बाइफर्केशन करने के 5 मेथड, जिसमें से फिफ्थ मेथड थियोरटिकल मेथड था, 4 मेथड प्रैक्टिकल मेथड थे। अगेज वो मेथड कौन से थे, सबसे पहला मेथड हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड, राइट फ्रेंड्स, ग्राफिकल मेथड था,
कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं और क्वेश्चन है सर, परचेस करते ही सेलिंग एक्सपेंसेस पे किया हो तो ऐसे कैसे होएगा? परचेस करना अलग चीज है, बेचना सेलिंग करना अलग चीज है। और आप जो सेलिंग एक्सपेंसेस, जितना मुझे समझ में आ रहा है आपका डाउट, अरे भाई सेलिंग एक्सपेंसेस सपोज सपोज ए से बी परचेस कर रहा है, ठीक है, तो बी सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे पे करेगा भाई? बी ने सेल थोड़ी किया है, बी ने बाय किया है। अरे सेलिंग एक्सपेंसेस ए को लगेगा ना, ऐसे उल्टा कैसे होएगा? बायर सेल थोड़ी कर रहा है, बायर तो परचेस कर रहा है। ओके, सो पहला मेथड डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहला मेथड था आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के स्टेप्स याद कीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा ग्राफिकल मेथड के स्टेप्स, ठीक है? बताइएगा यानी आप बोलते रहिएगा, ठीक है? मैसेज टाइप मत कीजिएगा, तब तक आप टाइप करेंगे अगला कुछ कंसेप्ट चालू हो जाएगा। ओके, ग्राफिकल मेथड क्या था? ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया, वाई एक्सिस पे हमने कंसिडर किया कॉस्ट, ठीक है? एक्स एक्सिस पे आया हमारा आउटपुट और वाई एक्सिस पे आया हमारा कॉस्ट। फिर आपको कुछ आउटपुट दिए जाएंगे और वो आउटपुट की कुछ कॉस्ट दी जाएंगी जो हम लोग प्लॉट कर देंगे प्रॉपरली। देन विल ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन कवरिंग मैक्सिमम ऑफ दिस पॉइंट्स। जहां पे वो लाइन ने वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है वो आ गया मेरा फिक्स कॉस्ट, और वहां से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा, या है मेरा फिक्स कॉस्ट या तो मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एंड डिफरेंस बिटवीन सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इज नथिंग बट मेरा वेरिएबल कॉस्ट आया था। ओके, सौरभ कुमार, ये फिक्स कॉस्ट का लेक्चर आप शायद आप अभी ज्वाइन किए हैं, ये ऑलरेडी हमने फिक्स कॉस्ट के वक्त एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है? ये रिविजन चल रहा है, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, लेक्चर नंबर 3 में हमने ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो वो लेक्चर नंबर 3 आप देख लीजिए। फिक्स कॉस्ट के बारे में जो आपका क्वेरी है, शुड बी सेम इन टोटली प्लीज इलेबोरेट, वो अच्छे से इलेबोरेट किया था हमने ये यहाँ पे, ठीक है? ये फिफ्थ लेक्चर है, थर्ड लेक्चर आप देख लीजिएगा उसका। ओके, उसके बाद था फ्रेंड्स कंपेरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी। कंपेरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, ठीक है ना? यहां पे आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड फॉर्मूला क्या है? इफ यू रिमेंबर, न्यूमरेटर में था डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट, इससे आपको आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और जैसे आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, यू कैन फाइंड द फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुछ एग्जाम्पल भी हमने इसका सॉल्व किया था। ओके, चलेगा। इसके बाद हाई लो पॉइंट मेथड, ठीक है? ऊपर वाले ही फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं, हाई लो पॉइंट मेथड में यही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, लेकिन जो कॉस्ट का डिफरेंस ले रहे, आउटपुट का डिफरेंस ले रहे, वो हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ये दो लेवल का आपको कंसिडर करना है। तो यू हैव टू चेक हाईएस्ट आउटपुट कौन सा है और आपका लोएस्ट आउटपुट कौन सा है। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट था हाई लो पॉइंट मेथड के बाद अगला था लीस्ट स्क्वेयर मेथड। इफ यू रिमेंबर फ्रेंड्स, लीस्ट स्क्वेयर मेथड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हियर y इज इक्वल टू टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट, m यानी था आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, x एक्सिस पे हम लोगों ने आउटपुट कंसिडर किया था, और c स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट फिक्स कॉस्ट था। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपका c कैंसिल हो जाता है, c कट हो जाता है, इसके बाद आपको वैल्यू मिलता है m का, और जैसे m का वैल्यू मिल जाता है यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। चलिएगा, इसके बाद था एनालिटिकल मेथड। एक्सपर्ट को अपॉइंट कीजिए और एक्सपर्ट बिहेवियर चेक करेगा कि वेरिएबल कितना है और फिक्स्ड कितना है। आगे इसके बाद प्रीवियस लेक्चर, कल के लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी में दो है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। नॉर्मल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन, कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल कॉस्ट। कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर एट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल कॉस्ट, ठीक है ना? एंड फ्रेंड्स, नॉर्मल कॉस्ट प्रोडक्शन के कॉस्ट वगैरह में कंसिडर किया जाता है। एबनॉर्मल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट विच इज नॉट नॉर्मली इनकर एट द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल कॉस्ट। हमने एग्जाम्पल लिया था फ्रेंड्स की लॉकडाउन की वजह से आपको कुछ एक्सपेंसिस पे करना पड़ा, लेबर का आइडल टाइम एक्सेट्रा, लॉकडाउन किया था उन्होंने फैक्ट्री का, या फिर नेचुरल कैलेमिटी आ गया, फ्लड आ गया, या फिर फायर लग गया,
मटेरियल का लॉस्ट हो गया एक्सेट्रा, ये आपके एबनॉर्मल कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा। एंड एबनॉर्मल कॉस्ट कहां पे जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, एबनॉर्मल कॉस्ट कहां पे जाएगा, देख के मत आंसर दीजिएगा, एबनॉर्मल कॉस्ट कहां पे जाता है, क्या ये कस्टमर से रिकवर होएगा क्या, क्या एबनॉर्मल कॉस्ट कस्टमर से रिकवर होएगा क्या, या एबनॉर्मल कॉस्ट किसी और जगह पे जाता है, एबनॉर्मल मटेरियल का कॉस्ट, एबनॉर्मल लेबर का कॉस्ट, या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, ये कहां पे जाता है, जल्दी से जो लोग देख रहे फटाफट से आंसर दीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, यस, कस्टमर से रिकवर नहीं हो सकता, ये कहां से कहां पे जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जाएगा। नेक्स्ट था क्लासिफिकेशन ऑन कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक था आपका कंट्रोलेबल कॉस्ट और दूसरा था आपका अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है ना मालिक, कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या था, ठीक है, कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या था, कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल बाय एक्शन ऑफ स्पेसिफिक मैनेजर इज कॉल्ड एज अ कंट्रोलेबल कॉस्ट, कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल बाय एन एक्शन ऑफ कंसर्न्ड स्पेसिफिक मैनेजर इज कॉल्ड एज अ कंट्रोलेबल कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट प्रोडक्शन मैनेजर कंट्रोल कर सकता है लेकिन प्रोडक्शन की कॉस्ट सेल्स मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर कंसिडर नहीं कर सकता, तो प्रोडक्शन का कॉस्ट प्रोडक्शन मैनेजर के लिए कंट्रोलेबल है, बाकी सब लोगों के लिए अनकंट्रोलेबल कॉस्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल हो गया, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया, एंड एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने सीखा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हमने कल के लेक्चर में देखा कि रिसर्च करना, नए प्रोडक्ट के बारे में डेवलप करना एक्सेट्रा। इसके बाद खूंखार कंसेप्ट की तरफ आते हैं, लास्ट कंसेप्ट की तरफ आते हैं, कॉस्ट यूज्ड फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, सबसे पहले प्री डिटरमाइन कॉस्ट, ठीक है, एग्जाम्पल याद आ रहा है, अरे भाई याद आएगा, नासिक और पुणे एक्सप्रेस या फिर नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट टेंडर मुझे सबमिट करना है, मैं पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, प्री डिटरमाइन करूंगा, एडवांस में कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, क्योंकि श्योर नहीं है टेंडर मिलेगा या टेंडर नहीं मिलेगा, तो बेटर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक एडवांस में कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, फिर टेंडर अगर मिलता है तो एक्चुअल में वो रोड कंस्ट्रक्शन करेगा। अगेस देन मार्जिनल कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा लगता है इट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल कॉस्ट, यू कैन से दैट मार्जिनल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो आज अपने जो मुक्ता जी है, ठीक है, ये मुक्ता जी ने एक रिलेशनशिप हमें बता दिया, वो भी हम लोग बता देते, ऑल वेरिएबल कॉस्ट इज अ मार्जिनल कॉस्ट, All variable cost is a marginal cost, but all variable cost is not a product cost. All variable cost is a marginal cost, but all variable cost is not a product cost. Selling and distribution expenses product cost में consider नहीं करेंगे, ठीक है, तो thanks मुक्ता जी, इनकी वजह से आज हमें यह नया point explain करने मिला। Next one, differential cost. तोड़ मालिक, differential cost. दो option थे आपको, ठीक है, आप फाउंडेशन क्लियर हुए हैं, टू व्हीलर लेना है, सर जी घर वाले बोल रहे हैं एक्टिवा ले लो, आप बोल रहे हो केटीएम का बाइक दिला दो, ठीक है, दोनों के फिक्स कॉस्ट भी अलग है, दोनों के वेरिएबल कॉस्ट भी अलग है, तो डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या है, डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन टू अल्टरनेटिव, एंड हियर डिफरेंस इन कॉस्ट लेते वक्त वेरिएबल कॉस्ट भी कंसिडर किया जाएगा और फिक्स कॉस्ट भी कंसिडर किया जाएगा, यह था आपका डिफरेंशियल कॉस्ट। नेक्स्ट वन, अगला कंसेप्ट है संक कॉस्ट, जी है संक कॉस्ट, अरे याद करो संक कॉस्ट, मेरा एग्जांपल मैंने दिया था जोश जोश में, ठीक है, इंटरमीडिएट का फॉर्म भर दिया, दोनों ग्रुप का फॉर्म भर दिया 3000 रुपए का, एग्जाम पास में आ गया, मैंने बोला दोनों ग्रुप नहीं देना है मुझे, एक ही ग्रुप देना है, इंस्टीट्यूट प्लीज, प्रेसिडेंट जी प्लीज मुझे 1500 रिफंड करवा दो, या फिर एग्जाम मैंने दिया नहीं प्लीज इंस्टीट्यूट 3000 रुपए मुझे रिफंड करवा दो, आएगा क्या, आंसर इज नो। संक कॉस्ट क्या है, कॉस्ट विच इज ऑलरेडी इनकर्ड, तो फ्यूचर में कुछ भी हो जाए वो कॉस्ट चेंज नहीं होएगा, इसका मतलब डिसीजन लेते वक्त वो कॉस्ट आपको इग्नोर करना है। ओके, तो संक कॉस्ट इज इररिलेवेंट कॉस्ट, संक कॉस्ट इज इररिलेवेंट कॉस्ट, रिलेवेंट नहीं है, संक कॉस्ट इज इररिलेवेंट कॉस्ट। ओके, उसके बाद था शट डाउन कॉस्ट, नेक्स्ट था आपका शट डाउन कॉस्ट, ओके मालिक शट डाउन कॉस्ट क्या है, यस मालिक शट डाउन कॉस्ट क्या है, अगर पहले तो दिमाग में ये कंसेप्ट मैंने डाल दिया था कि शट डाउन इज नॉट अ परमानेंट क्लोजर ऑफ बिजनेस,
ठीक है, इट जस्ट अ टेम्पररी क्लोजर ऑफ बिजनेस, आपको लगता है डिमांड बहुत ही कम है, या फिर मार्केट में सपोज कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ है, तो हम लोग क्यों ना प्रोडक्शन करने से अच्छा, वैसे भी डिमांड नहीं है तो थोड़े दिन के लिए शटडाउन करेंगे। लेकिन अगर आप शटडाउन करते हो फिर भी जो कॉस्ट आपको लगते ही जाता है, दैट ऑल कॉस्ट इज कॉल्ड एज शटडाउन कॉस्ट। आपने मुझे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिए कि सर अगर आप क्लास बंद किया है आपने, तो आपको रेंट तो पे करना पड़ा। सर आपने क्लास अगर बंद करना किया तो वो डेप्रिसिएशन जो होने वाला है इक्विपमेंट का एक्सेट्रा बेंचेस का, वो तो होने वाला है। ओके, तो ये था आपका शटडाउन कॉस्ट। अगर टेम्पररली फैक्ट्री क्लोज करते हो फिर भी जो कॉस्ट आपको लगा है, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज ए शटडाउन कॉस्ट। नेक्स्ट था आपका डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। हाउ डिफरेंशियल कॉस्ट हेल्प इन डिसीजन। अब अंशिका जी आप ही मुझे बता दीजिएगा, सपोज एक्टिवा का टोटल कॉस्ट आ रहा है 20,000 पर ईयर और केटीएम बाइक का 25,000 का कॉस्ट आ रहा है, अगर आपने केटीएम बाइक परचेस किया तो टोटल कॉस्ट 25,000 आ रहा है, और अगर आपने एक्टिवा परचेस किया तो टोटल कॉस्ट 20,000 आ रहा है, तो आप ही मुझे बताएंगे आप सिलेक्शन कौन सा करेंगे, एक्टिवा सिलेक्ट करेंगे या केटीएम बाइक सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली जहां पे कॉस्ट कम है वो सिलेक्ट करेंगे। तो डिफरेंशियल कॉस्ट का यूज क्या है, डिसीजन लेते वक्त कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो उसका यूज है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये था आपका शटडाउन कॉस्ट। देन डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, इफ यू रिमेंबर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट के बारे में हम लोगों ने क्या बोला था, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट के बारे में मेरी मर्जी। ठीक है, लिखते जाइएगा ये सर, ये छोटे छोटे पॉइंट जो याद रखने के लिए मैंने बोले थे, मेरी मर्जी, मैं चाहे एडवर्टाइजमेंट करूं, मैं चाहे एडवर्टाइजमेंट नहीं करूं, मेरी मर्जी, मैं चाहे 0 रुपीज का एडवर्टाइजमेंट करूं, मैं 10 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट करूं, मेरी मर्जी। इट डिपेंड्स ऑन माई प्लानिंग, इट डिपेंड्स ऑन माई बजट, इट डिपेंड ऑन माई टारगेट कि हाँ मैं 1 लाख रुपए का मार्केटिंग कर सकता हूं, 1 लाख रुपए का मैं एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूं, या फिर मैं वर्कर को ट्रेनिंग 1 लाख रुपए तक दे सकता हूं, या फिर वर्कर को ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा डिफरेंशियल है। चलिएगा, सो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या मतलब क्या है, मैनेजमेंट को डिस्क्रिशन है, ठीक है, और ये किस पे डिपेंडेंट है, उसका जितना बजट है, उसका जो उसने टारगेट सेट किया कि 1 लाख रुपए 2 लाख वहां तक वो लगेगा। एग्जांपल दिया था एडवर्टाइजमेंट ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। देन कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। ओके बॉस, ये कैपिटलाइज्ड कॉस्ट क्या है, पहले हम लोग इसको एसेट ट्रीट करते हैं और बाद में डेप्रिसिएशन लेके हम लोग उसको एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है। ओके, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, यह जहां पे आपका पैसा जा रहा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हो रहा है, ठीक है, जहां पे आपका पैसा जा रहा है, ऑल सच कॉस्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जहां पे पेमेंट कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल आपने मटेरियल का पेमेंट कर दिया, लेबर का पेमेंट कर दिया, एक्सेट्रा, ऑल सच कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन अगर इमीडिएटली कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है तो वो आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट है। देन प्रोडक्ट कॉस्ट, खूंखार पॉइंट था, प्रोडक्ट कॉस्ट डिस्कस करते वक्त मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये दोनों कंसिडर किया था, इफ यू रिमेंबर फ्रेंड्स। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस ये था, फिक्स्ड ओवरहेड कंसिडर नहीं होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, लेकिन एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट भी कंसिडर किया जाता है। यस, सो ये था आपका मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में, मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज योर प्रोडक्ट कॉस्ट इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ये आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है। सिंपल समझने के लिए लाइन मैंने आज आपको बोला था कि प्रोडक्ट कॉस्ट यानी क्या, जब आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे, जब आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे, जो जो कॉस्ट आपने कंसिडर किया वो सारा आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है, एंड प्रोडक्ट कॉस्ट छोड़ के बाकी जो भी कुछ कॉस्ट आपको इनकर होने वाला है वो सारे आपके पीरियड कॉस्ट है, इफ यू रिमेंबर। तो ये था आपका प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। नेक्स्ट वन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फ्रेंड्स, वी स्मार्ट का आप एग्जांपल याद कीजिएगा, मैंने रेंट का एग्जांपल दिया था, खुद के प्रीमाइसेस में क्लास चला रहे मैं, हमारे पास दो ऑप्शन था, किसी और क्लास वाले को रेंट पे दे दे, या नीचे प्रिंटिंग वाला था उसको रेंट पे दे दे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक ऑप्शन सिलेक्ट करने की वजह से जो दूसरे ऑप्शन का अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हुआ है, जो बेस्ट था, दूसरा बेस्ट ऑप्शन था, उसका जो अपॉर्चुनिटी लूज हुआ है, इट इज कॉल्ड एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट वन, इंप्यूटेड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, या फिर इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये तीनों लगभग सेम ही है, एक क्वेरी पूछा है कि इंप्यूटेड, अपॉर्चुनिटी, तीनों लगभग सेम है। मार्जिनल कॉस्टिंग में और डिटेल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।
सो फ्रेंड्स हियर ऑलमोस्ट वी कंप्लीटेड अवर बेसिक इंट्रोडक्शन टॉपिक विथ सम थियोरटिकल क्वेश्चन लेफ्ट दैट एज आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. जैसे जैसे एक एक कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा वैसे वो एक एक दो दो क्वेश्चन हम लोग कवर करते जाएंगे. ओके सो फ्रेंड्स अभी आपको करना क्या है, ठीक है? तो कुछ स्टूडेंट बोले सर क्या हम लोग मॉड्यूल रेफर करें क्या, तो मैं आपको सजेशन दूंगा अभी आप मॉड्यूल रेफर मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या होएगा, अगले टॉपिक के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट मैंने वहां पे पेंडिंग रखा है तो आपको वो लिंक नहीं लगेगा. अगर आपको रिवाइज करना है तो यही नोट्स आप रिवाइज कीजिएगा. और वैसे भी अभी अपना नेक्स्ट लेक्चर से प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है तो वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो होमवर्क वगैरह रहेगा वो आप कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिएगा, राइट फ्रेंड? तो अभी मॉड्यूल देखने का जरूरत नहीं, मेरा नोट्स ही सफिशियंट है तो बस उस पर ही हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, राइट फ्रेंड्स? सो यहां पे फर्स्ट टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ठीक है? संडे को क्लास नहीं रहेगा, कल आपका क्लास नहीं है, ठीक है? मंडे रेगुलर टाइम पे अपना लेक्चर रहेगा. रेगुलर यानी मंडे से अब मैं टाइम 8:15 नहीं है, मंडे से टाइम अभी आपका 8 o'clock है. क्योंकि ऑलमोस्ट जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग देख रहे लाइव, वो कंसिस्टेंटली उतने स्टूडेंट मुझे 8:15 को मिल ही रहे, तो बेटर अब मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा रहा हूं सो दैट प्रैक्टिकल में मजा आता है. तो आप ही बोलेंगे सर 2 घंटे कहां पे चले गए पता ही नहीं चला, तो थोड़ा आप ही टाइम एक्सटेंड करो, ठीक है? तो ग्रेजुअली आपके कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम कॉस्टिंग कंसिडर करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल में बहुत मजा आएगा. 2 घंटा आपको कहां पे खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? सो नो हैंड रिटन नोट आपको लिखने का नहीं, ये आपको मिलने वाला है, ये नोट्स आपका पार्ट है, ठीक है? आपका मेहनत कम होएगा इससे क्योंकि वो रिपीटेशन होएगा. यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यही बुक में दिया है और वही आप अगर लिख रहे हो तो वो रिपीटेशन होएगा, तो नो नीड टू राइट दैट, ठीक है? आगे का जो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है वो अपने को लिखने का है. जी सर, तो मैं आपको ये बता दूं कल लेक्चर नहीं है, वापस एक बार बोल रहा हूं फ्रेंड्स, कल लेक्चर नहीं है, ठीक है? संडे को लेक्चर नहीं रहेगा, आपको मंडे को मॉर्निंग 8 o'clock लेक्चर रहेगा. एंड प्लीज अब ये लेक्चर आप मिस नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? सो मंडे से अगर एक ही लेक्चर मिस हो गया आपका तो आपको अगले लेक्चर में लिंक नहीं लगेगा, आप फिर पीछे छूट जाएंगे, लाइव लेक्चर से आप दूर हो जाएंगे. ओके सो फ्रेंड्स आपको 8 o'clock मंडे को ज्वाइन करना है, वहां पे हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब अच्छे से फेयर नोटबुक बना लीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिकल बुक हमें लगेगा और फ्रेंड अच्छे से प्रेजेंटेशन वगैरह, तो अभी फेयर रफ बुक बहुत हो गया, अभी फेयर बुक में हमें स्टार्ट करना है. ओके सो थैंक यू वेरी मच. अगर आज के कुछ थोड़े जो कंसेप्ट 2-3-4 कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है उसके रिलेटेड अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप बने रहिएगा, अदरवाइज फ्रेंड्स आपका लॉ का लेक्चर है, अगला लेक्चर है तो वो. और कुछ स्टूडेंट का ये क्वेरी है कि सर क्या बाकी लेक्चर रहेंगे या नहीं रहेंगे, रिस्पेक्टिव फैकल्टी आपको बता देंगे. ओके तो मेरा बात नहीं हुआ है बाकी फैकल्टी के साथ रिगार्डिंग संडे का लेक्चर, सो वो बाकी फैकल्टी आपको बता देंगे संडे के लेक्चर का स्केड्यूल रहेगा या नहीं रहेगा. मेरा लेक्चर नहीं है, मैं मंडे को 8 o'clock मिल रहा हूं आपसे. ओके सो तोड़ मालिक, और कुछ डाउट्स वगैरह रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज साइन आउट कर दीजिएगा और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करना कर लीजिएगा. 10 बजे आपका राउंड लॉ का लेक्चर रहेगा दर्शन सर का. तो आज अच्छे से हमारा रिवीजन भी हो गया, चलिए आई होप डाउट नहीं है. नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाएंगे? ओके एक क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट चैप्टर उसको मैं थोड़ा सरप्राइज रखता हूं आपके लिए. जी हाँ, वी स्मार्ट के सेंटर पे आप पेमेंट बिल्कुल कर सकते हैं दुर्गा जी, कॉम्बो का भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. राहुल जी सब्र का फल मीठा होता है,
मटेरियल टॉपिक है, कॉस्ट शीट है, लेबर है, ओवरहेड्स है, कौन सा है मैं अभी नहीं बताऊंगा। मिलते हैं ना मंडे को, थोड़ा सरप्राइज रहने दो। चले, डाउट है तो पूछिए फ्रेंड्स। चले, आई गेस डाउट नहीं है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू। मुझे बहुत मजा आया आपको ये टॉपिक पढ़ाने में, ठीक है, और भी मजा आएगा अगले टॉपिक में जब आपका प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट होएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। बोध ग्रुप का क्या प्राइस है आशीष जी? प्लीज आप वी स्मार्ट की वेबसाइट एक बार आप चेक कर लीजिएगा, या फिर जय सर ने एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर दिया था और वहां पे उन्होंने ग्रुप वन का कॉम्बो, ग्रुप टू का कॉम्बो और दोनों का जो कंबाइन था उसका उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया। एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं बताते आएगा वो प्राइस क्या है, ठीक है, तो आप एक तो वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा या फिर जय सर ने वो उनके जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था ये करंट बैच का, वहां पे उन्होंने दिया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में सर। यस, विदा होने का टाइम हो गया है, विदाई का टाइम हो गया है। यस, चलेगा, टेक केयर मालिक, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, सी यू ऑन मंडे।